वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। एंड आज मैं आ गई हूँ शोरूम से काफ़ी जल्दी 5:15 हो रहे हैं बिकॉज मैं और वंशी जा रहे हैं मूवी के लिए। सो मूवी इस बार भी हम लोगों की थोड़ी लेट हो गई बिकॉज फेस्टिव सीजन वॉज गोइंग ऑन एंड जन्माष्टमी राखी वगैरह थी तो उसकी वजह से फिर कहीं निकल नहीं पाए। सो वंशी को लेटेस्ट जल्दी से जल्दी जाना होता है, जैसे आप लोगों को पता है हम ऑलमोस्ट फर्स्ट डे सेकेंड शो जाते हैं फॉर लेटेस्ट रिव्यू देने के लिए। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ, चेंज करती हूँ बिकॉज मैं बिल्कुल फॉर्मल्स में हूँ बिकॉज शोरूम से मैं जस्ट आई हूँ। एंड 6:20 का शो है, जैसे कि आप लोगों को पता है पीवीआर जस्ट घर के पीछे ही है तो इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स टू रीच द प्लेस। और फिर भी कभी कभार हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं, बट एनीवेज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं अभी फटाफट से ऊपर जाती हूँ, चेंज करती हूँ, देन आपसे मिलते हैं। टेक केयर। सो मेरे पास जो जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए मैं खाना वगैरह लेके गई थी उसके यूटेंसिल्स मैं अभी वापस लाऊंगी। नो नो वी आर नॉट लेट, दीदी की आदत है ऐसे बोलने की। 6:13 हो रहा है, 6:20 का शो है, वो भी ऑलमोस्ट 7 o'clock के अराउंड शुरू होगा। 7 o'clock के अराउंड तो नहीं होगा, 6:30, 6:45। क्या कहते हैं उसको, लेट हो गई तो एक मिनट में। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं, मैंने भी चेंज कर लिया और मैंने इतना जल्दी जल्दी चेंज किया कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट आउटफिट नहीं पहना है। और ये मैंने सेकेंड या थर्ड चेंज किया उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है। अब नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा पहले, क्योंकि आई वॉज इन रश बिकॉज शोरूम से आई थी, आपको बताया ही कि 5:15 अराउंड, एंड फिर घर पे मम्मी डैडी के लिए चाय बनाई, नहीं तो फिर वो चाय के लिए परेशान होते। मिट्टू को पानी रखा, शाम की पूजा मैं भी करके गई, अभी की नहीं तो फिर अभी हम लोग निकल ही रहे, मम्मी से पूजा एंड ऑल नहीं होती है। सो यस, ये जिम्मेदारियों के बाद फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और पीवीआर की तरफ चलते हैं। वंशी एंड वंशी के फ्रेंड भी आ रहे हैं सो उनसे भी मिलते हैं। सो बाय। दीदी के पास इतना पैसा है गाइस, दीदी ने दबा के रखा हुआ है, इसके शक्ल पे मत जाना दैट शी डजंट हैव मनी, शी इज फुल ऑफ मनी। शुक्रिया भैया। दीदी के पास कान्हा जी हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स गाइस। और दीदी को स्पेक्स में इतनी शर्म आती है गाइस, इतनी शर्म कि मैं जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ दीदी माइक्रोसेकंड्स में उसको निकाल लेती है। अरे यार मुझे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आई गॉट सम इन्फेक्शन इन माय आईज, मतलब नॉट ड्यू टू लेंस। सो अभी डॉक्टर ने मुझे फॉर फ्यू मंथ्स मना किया हुआ है, अदरवाइज कॉन्टेक्ट लेंस। गाइस देखिए, आप चाहें तो हम दो में ग्यारह ना 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 कर सकते हैं क्योंकि दीदी साइड में, मैं होती तो रियली कुछ नहीं हो सकता। लेट्स गो। सो गाइस ऑल सेट टू गो। Where to go? Watch movie Jawan.
Seriously, and we have heard ki unki entry amazing hai. So yes, after ages. और मैंने ये बताया नहीं था हम मूवी कौन सी जा रहे हैं, बट जवान 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 गाइस दीदी रिव्यू भी दे देगी पति दी हम. सो या चलते हैं ऊपर एंड देन फिर आपसे. सावन महोत्सव. वेटिंग फॉर द लिफ्ट. ज्यादा जल्दी है, आई मीन ज्यादा जल्दी है या फिर लेट. वेट. मैंने बोला भी मूवी ये हमारे स्कूल की बच्ची खो गई. व्हिच ऑडी वन शी वेट. ओहो मस्त पॉपकॉर्न बनते हुए. सो मूवी स्टार्ट नहीं हुई है बट सब जाके बैठ चुके हैं. सो गाइज मूवी देख ली है, 10 o'clock हो चुके हैं. सो इट्स टाइम टू लीव एंड उसके बाद आई मीन थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं. मफिन ने वंशी का क्लचर मुंह में ले रखा है. वंशी जब डांट रही है ये मेरे पास आके ऐसे छुप जाता है क्योंकि इसको मैं डांटती नहीं हूँ. ठीक है मफिन. सो गाइस आपको रिव्यू मैं अब देती हूँ. और मूवी वाज ऑसम. व्हाट अ यू नो व्हाट एन ऑसम मूवी. इट वाज फुल ऑफ एक्शन ड्रामा रोमांस डांस सब कुछ चीज़ें इतनी अमेजिंग थे कि आप एक मिनट के लिए भी आईज ब्लिंक नहीं कर सकते.
और पॉपकॉर्न नाचोस हम लोगों ने लिया था. हमारा ध्यान मत, आई वॉज बैडली हंग्री बिकॉज मैं शोरूम से उस टाइम आई थी. सीरियसली इतनी अमेजिंग मूवी है. और वंशी के फ्रेंड आज फिर से नहीं है, मफिन भाग गया, आज फिर से नहीं आए तो मैं उनसे आपको नहीं मिलवा पाई और हमारी फिर से आज एक सीट वेस्ट हो गई. पहले में भी ऐसा हुआ था, पता नहीं कौन सी मूवी थी मैं, लेकिन उसका ब्लॉग भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, प्लीज जाके देखिएगा. सो मूवी मस्ट वॉच है 100/100. और ये ऐसी मूवी सीरियसली फैमिली के साथ आप देखने जाइए और इतनी अमेजिंग है कि आपको, और इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करिएगा. इसका मजा सिर्फ थिएटर में आएगा. और हर कुछ इतने प्यारे, नो स्पॉयलर्स, बट इतने प्यारे मैसेजेस थे, इतनी इतने ऑथेंटिक टॉपिक्स, इतने जेन्युइन टॉपिक्स. एंड सीरियसली मैं बता नहीं सकती मूवी मुझे कितनी पसंद आई. और एक्चुअली जेन्युइनली ये बहुत अमेजिंग मूवी है, मस्ट वॉच है. प्लीज जाइए, डोंट वेस्ट टाइम. अगर आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक स्केड्यूल में है, लेट नाइट की बुक कर लो, अर्ली मॉर्निंग की बुक कर लो, बट अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ. हमारे तो पेरेंट्स जाते नहीं है, बट मस्ट वॉच है. सो गिव्स अ थम्स अप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो. कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. लव यू ऑल एंड प्लीज सारे ब्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. और रिसेंटली मेरे आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं 511. सो या कंग्रेट्स टू यू टू एज वेल एंड फॉर मी एज वेल. सो थैंक यू सो मच गाइज. ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, जिससे मैं छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे जाती रहूँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर ऑल.